जय माता दी। हम लोग निकल चुके हैं आज तरकुला माता के दर्शन के लिए। अभी सुबह के 5 बज रहे हैं, घर से निकल गए हैं और जल्दी जल्दी में हम लोग निकले हैं। और इसलिए फास्ट चला रहे हैं कि सुबह की आरती हमें मिल जाए, जो कि 6 बजे तक होती है, 5:45 तक। देखते हैं हम लोग पहुंच पाते हैं कि नहीं। और हम लोग जा रहे हैं आगे की तरफ। 5 बजे घर से निकल गए हैं, उससे पहले 4 बजे के जगे हुए हैं, फिर नहाना वगैरह भी होता है देवी माँ के दर्शन के लिए। और दो छोटे छोटे बच्चों को मतलब सुबह सुबह उठाना, मतलब उनके टैंट्रम्स। और ये हम लोग चौरी चौरा के पुल पर आ गए हैं और इसके बाद ही आ जाएगा तरकुला देवी का मंदिर का एरिया। और चौरी चौरा तो वैसे भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन ज़रूर आता है, चौरी चौरा इंसिडेंट, जिसमें एक पुलिस चौकी को फूंक दिया गया था और इसके बाद से गांधी जी ने आंदोलन रुकवा दिया था आज़ादी वाला, क्योंकि वो अहिंसा चाहते थे। अब हम लोग तरकुला वाली प्रेमिसेस में घुस गए हैं। ये सड़क हमें तरकुला मंदिर ही ले जाएगी। और आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं और यहाँ पर ये जो छोटी छोटी अभी शॉप्स खुली नहीं है, वरना यहाँ पर मेला लगता है, शाम के टाइम में मेला लगता है। और ये डाक साहब नोनू के डैडी प्रसाद खरीद लिए हैं। की भी नींद पूरी हो गई गाड़ी में और नोनू की भी नींद पूरी हो गई है, अभी उठ गए हैं दोनों। अब हम लोग अंदर की तरफ जा रहे हैं, ये सड़क अंदर की तरफ जाती है मंदिर की तरफ। ये सारी शॉप जब खुल जाती है तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर, और मेला भी लगता है। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं, इस वजह से नहीं इतना लोग हैं और आराम से दर्शन हो जाएंगे, नहीं तो बहुत भीड़ होती है। और ये है, ये नीचे में एक और सब्सिडरी श्राइन कहेंगे, मतलब माता जी का एक और यहाँ पर स्थान बना रखा है। और मेन यहाँ पर तरकुला माता जी बना रखा है। नोनू जय कर रहा है। हम लोग ऊपर चढ़ करके माता जी के स्थान पे आ गए हैं, तरकुला माता जी के स्थान पे। और हम लोगों ने अपना अपना प्रसाद चढ़ा दिया है पूजा अर्चना के लिए, अपना अपना टोकरी दे दिया है। और नोनू के डैडी घंटी बजा रहे हैं, नोनू को भी घंटी बजाना बहुत पसंद है। नोनू को घंटी बजाना है, नोनू को क्या करना है? को नीचे उतार दिया है। अब ये हम लोग परिक्रमा के लिए उनको घंटी बजाना है। पीछे में एक और देवी जी का मंदिर है, देवी जी का मंदिर उनको घंटी बजाना है, मूर्ति स्थापित है। तो यहाँ पे लोग अपनी मन्नतें मानते हैं और धागे बांधते हैं, जो भी चाहिए होता है। उनको तो घंटी बजाने में बहुत मजा आ रहा है। और मुन्ना भी घंटी बजाएगा, अभी मुन्ना को भी घंटी बजाना आ गया है। रोज मंदिर जाता है तो घंटी बजाता है। और अभी हम लोग पूजा कर रहे हैं, यहाँ पे भी पूजा कर बजा लो, चलो घंटी बजा लो। उतरेंगे तो नारियल, घंटी बजा बेटा। यहाँ ऊपर नारियल फोड़ना अराउंड नहीं होता है, अगरबत्ती भी ऊपर जलाना अलाउड नहीं है। नीचे जा कर के एक स्थान है वहाँ पर, तो तरकुला देवी के मंदिर में साइड में, जहाँ पे यहाँ पे एक्चुअली बकरों की बलि चढ़ती है, मान्यता जो 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 कोई मन्नत मांगता है उस हिसाब से, तो साइड में है जगह, वहाँ पे चढ़ती है। फिर हांडी में मीट बनता है, उसके बाद वो ऐसा प्रसाद यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, सबको दिया जाता है। अरे मुन्ना मुन्ना, हम लोग इधर साइड आगे साइड आ गए। कैसे बजाना है? मुन्ना घंटी बजा रहे। कैसे बजाओ, बताओ बताओ कैसे बजाओ? घंटी पकड़ के बजाना है। अब मुन्ना बजाएगा, मुन्ना भी दे। मुन्ना कैसे बजा रहा है? मुन्ना बजा रहा है क्या? हम लोग काफी, हमारी सारी मन्नतें यहीं की होती हैं जनरली। मुंडन भी दोनों बच्चों का यहीं तरकुला माता में ही मन्नत मांगा था, यहीं पर ही हुआ। और आरती हम लोगों की निकल गई, हम लोग लेट हो गए हैं, इतना जल्दी जल्दी में आए, स्टिल हम लोग लेट हो गए। 4 बजे सुबह के जगे तो भी लेट हो गए, बच्चों के साथ में दोनों बच्चे रोने लग जाते हैं उठाने पे, फिर उनको तैयार करना, तो थोड़ा सा लेट हो जाता है। आरती हमने मिस कर दी है। जय माता। और अब ये नीचे हम लोग उतर आए हैं। जय माता। तो नीचे में कर दो, जय कर दो भी सब लोग। यहाँ पर अगरबत्ती जलाते हैं और नारियल फोड़ने का, तिलक तिलक तो लगाए हो। दोनों जा रहा है तिलक लगाने,
इसको तिलक लगाने का बहुत शौक है। जय माता जी, जय माता दी होती है। जय माता जी, जय माता। और यहाँ पर अगरबत्ती, डैडी अगरबत्ती जलाने गए हैं, नोनू के डैडी, और क्या सबको अगरबत्ती से आरती दे रहे हैं। और यहाँ पे ये मेन मंदिर है, और ये इस मंदिर के सामने में ही ये पूरा पॉन्ड है, पूरा यहाँ पे पानी भरा है, और तरकुल के पेड़ हैं आसपास। यहाँ पे मान्यता रही कि आज़ादी के टाइम पे जिनके शहीद थे, एक फ्रीडम फाइटर थे, तो उनको अंग्रेजों ने सजा सुनाई थी फांसी की। देखो कैसे ले रहे हैं, देखो देखो, आशीर्वाद था जितनी बार फांसी पे लटकाया जाता था वो नहीं मरते थे। ले लो प्रसाद, ले लो बेटा। उसी के बाद डैडी ने नारियल फोला है, पी लो पी लो। उन्होंने बोला कि नहीं माता जी, मैं बार बार बच जा रहा हूँ, मुझे खुद अपने प्राण त्यागने, तब जा करके ये हुआ। तो तब से यहाँ पे बना हुआ है, हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है। हम लोग तो बहुत ज़्यादा मानते हैं, हमारी सारी मन्नतें इधर की होती हैं। एक सुकून मिलता है यहाँ पर आकर के, पता नहीं कैसा सुकून है, लेकिन मतलब एक जो सुकून होता है कि हाँ, यहाँ से आने के जाने के बाद बहुत अच्छा फील होता है। मतलब डॉक्टर साहब हमारे तो नोनू के डैडी बहुत ज़्यादा मानते हैं यहाँ को, फिर मैं भी शादी के बाद आकर के काफ़ी मानने लगी। अब मेरा भी विश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और अभी नारियल फोड़ करके नोनू के डैडी को नारियल पानी प्रसाद दे रहे हैं डायरेक्ट। और हम लोग, ये मैं मंदिर का पीछे का दिखाती हूँ, यहाँ पे ये पूरा कैप्चर नहीं हो पाया, क्योंकि या तो मैं नोनू को गोदी में लिए रही हूँ, या तो मुन्ना को, दोनों सुबह सुबह तो मानते ही नहीं है, सुबह सुबह इनको माँ की गोदी ही चाहिए, इसलिए वीडियो बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। बट स्टिल मैंने ट्राई किया है कि बेस्ट कैप्चर करूँ, तो कहीं कहीं पे शक्लें नहीं दिख रही हैं तो कहीं कहीं पे सराउंडिंग नहीं दिख रही है, आसपास का नहीं दिख रहा है। और यहाँ पे जैसे देवी माता, नोनू जय कर दो बेटा, जो शॉप खुली हुई उससे सुहागन का सामान, मेरी गोदी आना है, चूड़ा चूड़ी ये सब एक है, डैडी ने नारियल फोड़ा था मंदिर के बाहर से। और शाम को मेला लगता है, अभी तो भीड़ नहीं है, अभी इतनी भीड़ नहीं है, अभी तो आराम से दर्शन हो गए, वरना कभी कभी तो एकदम दर्शन लेने में भी इतनी भीड़ होती है कि प्रॉब्लम होती है। अब मम्मी के डैडी सब्सिडरी श्राइन में जा कर के करने गए हैं। और ये पीछे पूरा पॉन्ड है, इसमें पूरा तालाब में सारा वेजिटेशन ग्रो कर रखा है। यहाँ पे तरकुल के जो पेड़ है उससे ताड़ी भी निकल रही है, मुझे मैंने पहली बार ही यहाँ पर देखा कैसे ताड़ी निकलती है। जनरली हम लोग कोकोनट वाटर पीते हैं, लेकिन यहाँ पे ताड़ी पी जाती है। जो तरकुल का पेड़ होता है इसमें से फ्रूट्स होते हैं, तो उसमें डायरेक्ट छील करके रात भर एक कोई भी मटका टाइप या कुछ होता है इनका, वैसे होता है इनका होता है, जिसमें ये लोग कलेक्ट करते हैं फ्रूट को, और उसको ही टॉडी वाइन कहते हैं।